ऑफिशियल, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को तो आज पता ही चला होगा कि हमारे बीच अब शारदा सिन्हा जी नहीं रही, बहुत अच्छी सिंगर थी। छठ पूजा का तो स्पेशली गाना उनका इतना बढ़िया लगता था, सच में हमको तो इस टाइम हम डेली मॉर्निंग में जब खाना किचन बनाने जाते थे तो डेली उनके गाने छठ पूजा के लगा देते थे और बहुत अच्छे उनके गाने होते थे और बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग होते थे उनके, बहुत अच्छा लगता था। बट आज हमने मॉर्निंग में जैसे हम सो उठे तो हमने मैं देखा मोबाइल ओपन किया तो पता चला कि शारदा सिन्हा जी नहीं रही हम लोग के बीच। और उस दिन से बीमार चल भी रही थी। स्पेशल चीज़ आप लोग ने ये देखा होगा कि वो छठ पूजा के इतने गाने लिखते लिखते कि भरना के दिन ही छठ पूजा, छठ माता उनको बुला भी ली तो वाकई बस उनकी आत्मा को शांति मिले और क्या ही बोला जाए। तो चलिए अपने टॉपिक पे हम बात करते हैं। आप लोगों को मुझे बहुत दिनों से बताना था, बहुत सारे गुड न्यूज़ थे आप लोग के साथ, मैं शेयर नहीं कर पाई थी तो हमें लगा कि एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए आप लोग के साथ। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ तो आप लोग के साथ क्या है मैं बता दूँ, सोच रही हूँ बता दूँ या ना बताऊँ, बट बता ही देती हूँ, कब तक आप लोग को सस्पेंस में रखूँगी। सोची थी वो स्पेशल मोमेंट आ जाएगा तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट वो चीज़ आने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो हमें लगा कि कुछ कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर देनी चाहिए ना, आप लोग को लगेगा कि आप तो कुछ बता ही नहीं रही हो। तो सबसे पहला गुड न्यूज़ हमारे आप लोगों के लिए ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मुझे मेल भी आ चुका है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। सारी चीज़ें मतलब इतनी खुशी हुई मुझे ना कि बैक टू बैक मुझे वन वीक में इतनी ज़्यादा खुशखबरी मिली, इतनी खुशखबरी मिली कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। तो हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। एंड आप लोग को सेकंड जो है वो गुड न्यूज़ थोड़ा रुक के बताएंगे क्योंकि आप लोग ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, ब्लॉग को लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो मैं इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू मैं उनको बोलना चाहती हूँ, जो हमारे भैया हैं आलोक सिंह, जिनका खुद का चैनल है आलोक गार्डनिंग टिप्स एंड इनका सेकंड चैनल है अवध का आलोक। इन्होंने हमारे लिए जो किया है ना वो मैं आप लोग को बता नहीं सकती, उसका मैं बयान नहीं कर सकती कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, कैसे किया, मैं आज यहाँ तक जो पहुँची हूँ ना सारी चीज़ उन्हीं की देन है। तो भैया थैंक यू सो मच, आप दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ जो किया है ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे हर एक मोमेंट में आप मेरे साथ खड़े रहे, लास्ट टाइम तक आपने मेरा सपोर्ट किया है। आपके किए हुए कामों को तो मैं कभी नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने में आपका हाथ है। कुछ लोग थोड़े से रास्ते दिखा के हट जाते हैं बट वो भैया ने मुझे फर्स्ट से लेके लास्ट तक वहाँ तक पहुँचाए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं उनका जितना भी धन्यवाद बोलूँ उतना मेरे लिए कम है। मैं स्टार्टिंग के चैनल में जो भी मेरे काम होते थे, मैं थंबनेल लगाना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मुझे इतना भी नहीं पता था। स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता बट कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। मेरा तो इतना तक भैया ने मुझे 4 से 6 महीने तक हमें टाइटल लिख के देते थे, मैं पूरी स्टोरी वीडियो के बताती थी तो मुझे टाइटल लिखते थे, मुझे थंबनेल बताते थे। तो वाकई में जो उन्होंने मेरे साथ कर दिया है ना, मैं कितनी बार चैनल पे मेरे कोई सारे प्रॉब्लम्स आए तो उसके हेल्पर मेरे भैया रहे, जो मेरा एक तरीके से देखा जाए तो मैं उनकी भाभी लगती हूँ, मेरे देवर लगते हैं। और वो है कौन मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ, वो हमारे बुआ सास के बेटे हैं जो फैजाबाद में रहते हैं और खुद भी वो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब करते हैं, तो काफ़ी सक्षम है, फिर भी उनके अंदर ईगो की भावना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा, मुझे लगता है उनसे कोई भी सपोर्ट लेना चाहेगा वो सभी का सपोर्ट करते हैं, वाकई में बहुत अच्छे हैं। और जितना भी मैं बोलूँगी सब कम है आपके लिए, जितने ये शब्दों में मैं बयान करूँगी आपके लिए ना सब कुछ कम है, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती आपके लिए। तो आप लोग भी उनके चैनल को जाइए वॉच करिए क्योंकि बहुत अच्छा उनका चैनल चलता है, ग्रो भी करता है। आलू गार्डनिंग टिप्स और अवध का आलू, दोनों चैनल मोनेटाइज है उनका, दोनों से उनकी अच्छी अर्निंग है। तो सारी चीज़ें हैं भैया, आपको थैंक यू सो मच, मैं अगेन आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। आपने मेरा जितना सपोर्ट किया है शायद कोई अपना फैमिली मेंबर भी नहीं इतना करता जितना आपने मेरे साथ सपोर्ट किया है। मैं इन बातों को बहुत दिन तक छुपा के रखी कि नहीं अभी नहीं बताना है, मुझे उस मोमेंट तक पहुंचना है जहां तक वो चाहते हैं भैया कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। वो काफ़ी खुश हुए कर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, मेरा तब भी उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया तो मैंने उनको सारी बातें अपनी बताई। वो तो बार बार कहते हैं अरे भाभी आपकी मेहनत है, बट मेरी मेहनत तो है बट मुझे मोटिवेशन देने वाले आप हो, क्योंकि मुझे डीमोटिवेट बहुत सारे लोग ने किया था, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे मोटिवेशन देने वाला कौन है कौन है, वो मोटिवेशन देने वाले मेरे भैया हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो मैं कब का डीमोटिवेट हो चुकी होती और कब तक सारी चीज़ें छोड़ चुकी होती। बट भैया ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया, हर मेरे दुख की घड़ी में भैया मेरा साथ दिए हैं, इतना तक कि कुछ कुछ फैमिली इशूज आए, मेरे मायके से रिलेटेड भी इशू आए थे चैनल को लेके, उस पर भी भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो जितना उन्होंने सपोर्ट किया शायद कोई अपना भी नहीं कर सकता है।
तो अगेन थैंक यू सो मच भैया, आप ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार मेरे पे बनाए रखिएगा। फिलहाल कहा जाए तो हम भाभी हैं, वो देवर हैं, बट कोई नहीं, जो सपोर्ट करे और जो हमारे समय पे खड़ा हो वही सबसे बड़ा भगवान है। तो मेरे लिए तो आपने भगवान के रूप में मेरा साथ दिया है, और क्या ही बोले आपके लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते। आप खुद समझ सकते हो कि मैं आपके लिए स्पेशल क्या कहना चाहती हूँ। अब तो फर्स्ट हमारे गुड न्यूज़ ये रहे, आप लोग को सेकंड न्यूज़ में गुड न्यूज़ ये देना चाहती हूँ कि हमारा सिल्वर प्ले बटन के लिए मैंने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया है, और 9 तारीख का डेट हमें मिला है, 9 को हमारा सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। तो मैं उसको ओपन करते समय आप लोग को भी दिखाऊंगी और आप लोग को सभी से मिलवाऊंगी, जो मेरे सिल्वर प्ले बटन के लिए कौन कितना खुश है सब कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो हमारी दो दो खुशी थी वो मैंने आपके साथ जाहिर कर दी, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। और मेरे सेकंड सपोर्टर हमारे रहे, वो हमारे ऑडियंस है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं, और ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्दी मैं बहुत आगे ग्रो करूँगी। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार आप लोग हमें देते रहिएगा, जिससे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। और आप लोग को भी मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो आप लोग ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे बैक टू बैक आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, कैसे कब सिल्वर प्ले बटन मैं ओपन करूँगी, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग शायद हमारा सिल्वर प्ले बटन का ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल पे बराबर बनाए रखेंगे, ऐसे ही सपोर्ट प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्दी हम कामयाब होंगे, और मेरी जो ड्रीम है वो धीरे धीरे अब पूरी हो रही है। तो ऐसे ही बस आप लोग का सपोर्ट रहा और हमारे भैया का सपोर्ट रहेगा, तो ऐसे ही हमारी ड्रीम पूरी होती रहेगी। तो चलिए फिर चलते हैं, आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और आप लोग को सभी को दिल से धन्यवाद बोलते हैं हम। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।